Hello everyone, welcome to Khanum's Kitchen. If you enjoy my videos, be sure to like, subscribe and comment to them. Assalamualaikum. आज खानम्स किचन में मैं आपको देने जा रही हूँ स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम की रेसिपी विद स्ट्रॉबेरी सॉस। तो बहुत ही क्रीमी और फ्लफी सी आइसक्रीम बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो मैं बताऊँ आपको। यहाँ पे मैंने 400 ml दूध लिया है, तकरीबन ये 2 कप दूध है, और इसको मैंने बॉयल कर लिया और इसमें 100 ग्राम मैंने चीनी डाली है और इसको मीडियम फ्लेम पे मैं इसे पकाऊंगी। इतना इसको पकाना है कि इसका 1/3 इसकी क्वांटिटी हो जाए। इसका हमें पानी रिड्यूस करना है। ये देखिए, अब यहाँ पे गाढ़ा सा एक मुझे कुमेल हमारा तैयार हो चुका है और इसे मुसलसल चमचा चलाते रहना, वरना इस पर एक बलाई की लेयर आ जाती है तो वो नहीं आए। अब ये बिल्कुल स्मूथ और बहुत ही क्रीमी सा हमारा कंडेंस मिल्क रेडी। अब इसको हम एक तरफ रखेंगे। अब यहाँ पे हम रेडी कर रहे हैं सॉस। स्ट्रॉबेरी सॉस के लिए मैंने 300 ग्राम स्ट्रॉबेरीज ली हैं। ये फ्रीज की हुई स्ट्रॉबेरीज हैं, मेरे पास रखी हुई थी, आप चाहें तो फ्रेश भी ले सकते हैं। और 300 ग्राम स्ट्रॉबेरी है ये, और इसमें मैंने 400 ml मैंने पानी डाला है और 100 ग्राम मैंने इसमें चीनी डाली है, और इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर मैं तकरीबन 15 मिनट पकाऊँगी। पंद्रह मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाने के बाद इस जो हमारी सॉस है वो थोड़ी सी थिक हो जाएगी। बहुत अच्छी सी एक सॉस रेडी हो जाएगी हमारी, और जो हमारी स्ट्रॉबेरीज हैं ये भी गल जाएंगी। ये देखें, कुछ इस तरह की हमारी सॉस रेडी हो जाएगी। ये देखिए, मैं स्ट्रॉबेरी आपको दिखा दूँगी, ये इस तरह से बिल्कुल गल जाएगी। और जिस स्पून से आप चला रहे हैं इसी स्पून से आप इसको हल्का हल्का से मैश कर लीजिएगा। आपको ब्लेंडर में डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसी तरह इसको मैश कर लें। इसके हल्के से चंक्स आते हैं तो ये अच्छे लगते हैं मुँह में। इसको अभी हम और पकाएंगे, इसको थोड़ा सा थिक करेंगे। कोई पीस आपको बड़ा लग रहा है तो उसको थोड़ा सा आप मैश कर लें। ये देखिए, हमारी स्ट्रॉबेरी सॉस रेडी है। तकरीबन 15 से 20 मिनट पकाने के बाद इसका बहुत ब्राइट सा रेड कलर है और बहुत अच्छी सी सॉस हमारी तैयार हो चुकी है। जो बड़े चम्मच से इनको आप चमचे के साथ ही मैश कर लीजिएगा। ये वही सॉस है जो आप मैकडोनल्ड में जब आइसक्रीम खाते हैं तो ये वहाँ पर आपको आइसक्रीम के ऊपर डाल के देते हैं, या किसी भी अच्छे से आइसक्रीम पार्लर में आपको ये सॉस मिलती है। अच्छा, इसके अलावा मैंने यहाँ पे फ्रेश स्ट्रॉबेरी ली है 300 ग्राम, और क्योंकि ये मैंने चीनी में फ्रीज की थी तो मैं यहाँ पे चीनी का इस्तेमाल कम कर रही हूँ। लेकिन अगर आप फ्रेश स्ट्रॉबेरी लेते हैं 300 ग्राम तो इसमें 100 ग्राम इसमें चीनी जाएगी, और इसमें 2-3 टेबलस्पून पानी डालकर हम इसे बिल्कुल इसकी स्मूथ एक प्यूरी तैयार कर लेंगे ग्राइंडर में, बिल्कुल बारीक, इसमें कोई भी चंक्स ना रहे। इस चीज़ का आप बहुत अच्छी तरह ख्याल रखिएगा। अच्छा, ये जो मैंने कंडेंस मिल्क रेडी किया था, ये मैं फ्रेश क्रीम लिए मैंने 300 ग्राम, इसमें ये सारा मैंने कंडेंस मिल्क और 3 टेबलस्पून आइसिंग शुगर, ये तीनों चीज़ों को मैं अच्छी तरह इलेक्ट्रिक बीटर से बीट कर लूँगी कि ये इतना बीट करूँगी कि ये वॉल्यूम में डबल हो जाए। और इसके साथ जो मैंने स्ट्रॉबेरी प्यूरी मैंने रेडी की थी वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी और इसको फिर एक दफ़ा हल्का सा मिक्स कर लूँगी। अब यहाँ पे मैंने एक मोल्ड ले लिया है, जो हमने आइसक्रीम का मिक्सचर रेडी किया था वो सारा मिक्सचर मैं इसमें डाल दूंगी। और इसके साथ जो मैंने स्ट्रॉबेरी सॉस बनाई थी वो स्ट्रॉबेरी सॉस भी मैं इसके टॉपिंग पे डाल दूंगी और इसको हल्का सा मिक्स कर लूंगी। बहुत हल्के हाथों से मिक्स कीजिएगा, इसको ज्यादा नहीं मिक्स कीजिएगा। स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर पता चलना चाहिए, इसकी सॉस का जो फ्लेवर है ये पता चलना चाहिए। और इसके बाद इसको मैं एल्युमिनियम फॉइल से मैं इस तरह से इसको कवर कर दूंगी अच्छी तरह और इसको फ्रीज कर दूंगी तकरीबन 8 से 10 घंटे के लिए फ्रीजर में। तकरीबन 8 से 10 घंटे बाद हम इसे फ्रीजर से निकालेंगे। ये
ये देखें बिल्कुल हमारी आइसक्रीम जम चुकी है और बहुत ही ज़बरदस्त फ्लफी क्रीमी हमारी आइसक्रीम रेडी है। आप इस तरह से इसके स्कूप निकालें और स्ट्रॉबेरी सॉस की जो टॉपिंग मैंने तैयार की थी उसके साथ आप अपने मेहमानों को बच्चों को सर्व करें इस गर्मी के मौसम में। बहुत ही मज़े की आइसक्रीम है, आप ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट करें और मेरी वीडियोज़ अगर आपको पसंद आती है तो इन्हें लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए।